Hello everyone, good morning. Today discussing about the topic history of entomology in India. यानी कि भारत में कीट विज्ञान का क्या इतिहास है इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे. ये अपना आज का टॉपिक अपना हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया, यानी कि भारत में कीट विज्ञान का क्या इतिहास है इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे. ठीक है ना. अपना टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया. हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया अपन हिंदी में कह सकते हैं, तो भारत में कीट विज्ञान का इतिहास. ठीक है ना. देन अपन बात करते हैं कि हिस्ट्री क्या है एंटोमोलॉजी के इंडिया के अंदर, भारत के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं तो मैन ओरिजिनेटेड है अबाउट मिलियन ईयर अगो, यानी कि जो आदमी की उत्पत्ति है मिलियन ईयर अगो का मतलब होता है 10 लेख. क्या होता है मिलियन का मतलब, मिलियन मतलब 10 लेख, यानी जो मनुष्य की उत्पत्ति है या आदमी की उत्पत्ति कब बताई जा रही है, 10 लाख साल पहले, 10 लाख ईयर्स पहले, है ना, 10 लाख ईयर्स अगो. जबकि इंसेक्ट की जो उत्पत्ति बताई जा रही है वो 500 मिलियन ईयर अगो. कब बताई जा रही है इंसेक्ट की, इंसेक्ट एटलीस्ट 500 मिलियन ईयर अगो. ठीक है ना. जबकि मनुष्य की उत्पत्ति बताई जा रही है मिलियन ईयर अगो, और एटलीस्ट जब हम इंसेक्ट की बात करते हैं तो इंसेक्ट की जो उत्पत्ति कब बताई जा रही है, 500 या 500 मिलियन ईयर अगो. ठीक है ना. तो अपन कह सकते हैं कि जब मनुष्य की उत्पत्ति यदि मिलियन ईयर अगो है तो इंसेक्ट की उत्पत्ति कब है, कब बताई जा रही है साइंटिस्ट कि 500 सालों से पहले भी इंसेक्ट, यानी 500 सालों से पहले इंसेक्ट यहाँ अर्थ के ऊपर मौजूद है, है ना. 500 सालों से पहले भी यहाँ जो इंसेक्ट है अर्थ के ऊपर मौजूद है. ठीक है. देन अपन बात करते हैं कि इंसेक्ट क्या है, सबसे लार्जेस्ट क्लास है. इंसेक्ट क्या है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट क्लास है जिसमें ऑल लिविंग का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग एनिमल्स है, जितने भी लिविंग एनिमल्स है उसका 72% कवर करती है. कितना करती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का 72% कवर करती है. कौन करता है कवर, इंसेक्ट. ठीक है ना. जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग एनिमल्स है उनमें से 72% पॉपुलेशन है वो क्या करती है, इंसेक्ट के अंदर कवर करती है. उसमें कहते हैं 72% पॉपुलेशन क्या है, वो इंसेक्ट की है. और उस इंसेक्ट्स में 72% पॉपुलेशन इंसेक्ट की, उसमें से 9 to 15 लेख स्पीसीज क्या है, नोन है, जिसको आइडेंटिफाई की जा चुकी है. यानी कि 9 to 15 लेख जो स्पीसीज है इंसेक्ट की उनको क्या कर चुका है, क्या जा चुका है, उन स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया जा चुका है. ठीक है ना. दैट इज क्लियर. मैं कहता हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि जो इंसेक्ट है वो लार्जेस्ट क्लास है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लार्जेस्ट क्लास है. उसमें 72% होल लिविंग एनिमल्स उसका क्या है, इंसेक्ट पॉपुलेशन है. 72% इंसेक्ट पॉपुलेशन है जिसके अंदर इंसेक्ट की 9 to 15 लेख स्पीसीज क्या है उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है. ठीक है ना. देन अपन बात करते हैं इसका जो इंसेक्ट का अर्लीस्ट रिकॉर्ड भी है उसके अंदर, आवर अर्लीस्ट नॉलेज अबाउट द इंसेक्ट डेट बैक्स 6000, यानी कि 6000 बैक चलते हैं अपने, पीछे चलते हैं तो भी इनका रिकॉर्ड मिलता है इंसेक्ट का, है ना. यानी कि 6000 ईयर अपन बैक चलते हैं तभी इनका इंसेक्ट का क्या मिलता है, उनको एविडेंस मिलता है, इसका रिकॉर्ड मिलता है. किसके, जो अपने इंडियन एनशंटर है, भारतीय पुरुज है, उन्होंने बताया वर्वेल वर्सेड इन द आर्ट ऑफ रियरिंग सिल्क वर्क मीनिंग सिल्क वर्थ. यानी कि जब अपन अर्लीस्ट रिकॉर्ड है इंसेट का, जो इंडियन एनशंटर है उन्होंने कहा कि इंसेट के द्वारा जो सिल्क वर्म इंसेक्ट है उसके द्वारा क्या बनाया जाता था, कपड़ा बनाया जाता था. कब की बातें हैं, बैक टू 6000 ईयर, जब हमने 6000 ईयर बैक चलते हैं उस जमाने में, उस टाइम में भी क्या है, सिल्क वर्म के द्वारा विनिंग ऑफ सिल्क क्लॉथ यानी कि कपड़े
बनाया जाती है सिल्क वर्म इंसेक्ट के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट में बात करते हैं इसका इंसेक्ट का जो मेंशन है वो पौराणिक जो महाकाव्य हैं उनके अंदर भी इनका लोटो मेंशन अबाउट इंसेक्ट इन आवर माइथोलॉजिकल एपिक्स, यानी कि जो माइथोलॉजिकल एपिक्स है उसमें भी इंसेक्ट का क्या है रिकॉर्ड या उनका वर्णन किया गया है, या उनको उनके अंदर भी ये अपने रिकॉर्ड मिलेगा जो माइथोलॉजिकल एपिक्स है उनके अंदर भी। जैसे माइथोलॉजिकल एपिक्स के अंदर रामायण है, महाभारत है, रामायण महाभारत जो ग्रंथ है उन ग्रंथों में भी इंसेक्ट का क्या है उल्लेख किया गया है। किन किन इंसेक्ट का उल्लेख किया गया है उसमें उन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, तो आपके हनीबी का जो आपका बेनिफिशियल इंसेक्ट है, आपके लेक का जो भी अभी क्या है बेनिफिशियल इंसेक्ट है, देन सेरिकल्चर है ना, सिल्क वर्म इसके द्वारा सेरिकल्चर की जाती है, ये भी क्या है आप जो बेनिफिशियल एक है। हैनी से क्या प्राप्त है, हैनी से शहद प्राप्त होता है, लेक से क्या होता है लाख प्राप्त होती है, और सिल्क वर्म से क्या होती है सिल्क प्राप्त होती है, सिल्क जो उससे कपड़े तैयार किए जाते हैं, रेशा प्राप्त होता है। तो ये क्या है अर्लीस्ट रिकॉर्ड, ये एविडेंस बताते हैं अपन को जो माइथोलॉजिकल एपिक्स है उनके अंदर भी इनका उल्लेख बताया गया है। किस किस का उल्लेख बताया गया है, हैनीबी का उल्लेख बताया गया है, लेक का उल्लेख बताया गया है, और साथ में आपका जो सिल्क वर्म है उनका उल्लेख बताया गया है रामायण और महाभारत के अंदर भी, रामायण और महाभारत के अंदर भी इनका उल्लेख बताया गया है, ठीक है। देन बात करते हैं हमने आगे, तो जो पस्ट डेटालाइज क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, जो पस्ट डेटालाइज क्लासिफिकेशन था इंसेक्ट का वो किसने दिया था, फर्स्ट टाइम मुआवतीन दिया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पस्ट डेटालाइज जो क्लासिफिकेशन था इंसेक्ट का वो किसने दिया था, वे उमावतीन दिया था, तो ये इसको अच्छे से ध्यान में रखना कि जो पस्ट डेटालाइज क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट किसने दिया था, उमावतीन दिया था, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो डेटालाइज क्लासिफिकेशन है पस्ट, कौन सा है पस्ट डेटालाइज क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट वाज डन बाय उमावती, ठीक है ना, किसने दिया था ये, उमावती ने दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे अपन बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ बीज, क्लासिफिकेशन ऑफ बीज बाय द इंडियन फिजिशियन, यानी कि जो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है बीज का, बीज क्या होती है हनी बी, मधुमक्खी, क्या होती है बीज, मधुमक्खी, ठीक है ना। तो मधुमक्खी का क्लासिफिकेशन किसने दिया था, एक इंडियन फिजिशियन था, उसका क्या नाम था, चरखा था, ठीक है ना, उसका नाम था चरखा, उन्होंने बीज का क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है ना, कब दिया, 12,000 टू 100 एडी, यहाँ एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, क्या होता है एडी का मतलब, एडी का मतलब मैं बता देता हूँ आपको, एनो डोमिनी का मतलब मीन्स होता है यहाँ, यानी कि बर्थ ऑफ क्रिश्चियन, जब क्रिश्चियन का ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस टाइम की बातें हैं, ये इस टाइम की बातें हैं जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तभी बर्थ ऑफ क्रिश्चियन उस टाइम की बातें हैं, ठीक है ना, एनो डोमिनी उसे बोलते हैं। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटो, यानी कि फिर क्लासिफिकेशन किसका दिया, आंट का दिया, फ्लाइज का दिया और मॉस्किटो का दिया, ठीक है ना, वो किसने दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ आंट फ्लाइज एंड मॉस्किटो बाय द सर्जन, एक सर्जन थे उनके द्वारा क्लासिफिकेशन ऑफ आंट फ्लाइज और मॉस्किटो का क्लासिफिकेशन दिया गया, किसके द्वारा, एक सर्जन के द्वारा, सर्जन कौन था वो, सुस्त्रा, ये कब दिया गया, 100 to 200 AD, एडी का मैंने अभी अर्थ बताया है वो ये एनोडोमिनी से है, एनोडोमिनी का मतलब वही है जो बर्थ ऑफ किस्ट,
बट तो क्रिस्ट यानी कि ईसा मसीह का जन्म की टाइम की बातें हैं, ठीक है ना। तो ये अर्लीस्ट रिकॉर्ड एविडेंस मिलते हैं कि इन्होंने जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जन्म के टाइम में भी इन्होंने क्या है क्लासिफिकेशन दिया था, फर्स्ट तो बीज का क्लासिफिकेशन दिया चरखा ने, ठीक है ना। किस टाइम दिया, जब ईसा मसीह का जन्म था, जन्म के टाइम, और दूसरा आंट्स फ्लाइज और मॉस्किटो का क्लासिफिकेशन दिया, एक सर्जन था सुस्त्रा उन्होंने दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एविडेंस मिलते हैं अपन को अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं इंसेट के, ठीक है ना। किस टाइम के अर्लीस्ट रिकॉर्ड है, ये एविडेंस है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस टाइम की बातें हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंसेट बहुत सालों पहले से अपने अर्थ के ऊपर है, यानी कि इंसेक्ट का जन्म अभी हुआ है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस टाइम से भी इंसेक्ट थे, उस टाइम भी कहते हैं इंसेक्ट थे, और आज भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन है डे बाई डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। और इंसेक्ट क्या है, डे बाई डे और इनकी जो पॉपुलेशन है क्या है, डोमिनेंस हो रही है, इनक्रीज साथ में क्या हो रही है, इनकी पॉपुलेशन क्या है, डोमिनेंस हो रही है इंसेक्ट की, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं ईयर वाइज, किस किस ईयर में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, किस किस साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा अकॉर्डिंग टू ईयर वाइज। अपन ईयर वाइज लेते हैं, किस ईयर में क्या किसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं 1735 यानी कि 1935 की बात करते हैं, तो 1935 में फर्स्ट एडिशन ऑफ सिस्टम ऑफ नेचरी, यानी कि 1935 के अंदर तो फर्स्ट एडिशन आया था सिस्टम ऑफ नेचरी का, और किसके द्वारा लिखा गया था, ये कार्सलिनियस के द्वारा लिखा गया था, ये किसके द्वारा लिखा गया था, कार्सलिनियस के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ सिस्टम ऑफ नेचरी का कब आया, है ना। तो ये कब आया था, 1735 को फर्स्ट एडिशन आया था सिस्टम ऑफ नेचरी का, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्या है कम्पिटेटिव एग्जाम में, या कई बार जब आपका ए पार्ट होता है टाइप वाला जो ए पार्ट होता है उसमें भी कई बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, रीड आउट करना, ठीक है ना। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ सिस्टम ऑफ नेचरी कब आया था, 1935 में, और ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था कार्सलिनियस के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया था, कार्सलिनियस के द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना, किसके द्वारा लिखा गया था, रोट बाई कार्सलिनियस, यानी कार्सलिनियस के द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है ना। जब नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो एक मॉडर्न एरा आया एंटोमोलॉजी का, क्या आया, एंटोमोलॉजी का मॉडर्न एरा आया, यानी कि मॉडर्न एरा ऑफ इंडियन एंटोमोलॉजी, भारतीय कीट विज्ञान में का उसका मॉडर्न एरा आया, उसमें कम विद द पब्लिकेशन ऑफ द 10th एडिशन। और पहला एडिशन तो कब पब्लिश हुआ, पहला एडिशन तो 1735 में, और जिसका 10th एडिशन जब पब्लिश हुआ वो कौन सी ईयर में हुआ, 1758 में, यानी कि 1758 में, 1758 में इसका 10th एडिशन पब्लिश हुआ, किसका, सिस्टम ऑफ नेचरी का, किसका, सिस्टम ऑफ नेचरी का 10th एडिशन है वो 1758 में पब्लिश हुआ, ठीक है ना। और उसमें ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया, किसके द्वारा लिखा गया, क्या किसके द्वारा पब्लिश करवाया गया, ये भी कार्सलिनियस के द्वारा पब्लिश करवाया गया था, किसके द्वारा, कार्सलिनियस के द्वारा, ठीक है ना, कार्सलिनियस के द्वारा, सिस्टम ऑफ नेचरी विथ ओनली 12 इंडियन इंस्टीट्यूट, जिसमें कितने इंस्टीट्यूटों का जिक्र किया गया था, ओनली फॉर 12 इंडियन इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय कीटों का 12, यानी कि 12 भारतीय कीटों का उसके अंदर जिक्र किया गया था ना। सिस्टम ऑफ नेचरी जो पब्लिकेशन हुआ था, उस पब्लिकेशन के अंदर जो 10th पब्लिकेशन था सिस्टम ऑफ नेचरी का, उसके अंदर 12 भारतीय कीटों का उसमें उल्लेख किया गया था, या उसमें रिपोर्ट उसमें या मेंशन किया गया था, 12 कीटों का उसमें मेंशन किया गया था, 12 भारतीय कीटों का उसमें मेंशन किया गया था, ठीक है ना।
तो ये बात हो गई भाई फर्स्ट एडिशन कब आया। फर्स्ट एडिशन आया आपका सिस्टम एन एच सी का 1735 में आया। किसके द्वारा ये पब्लिश करवाया गया है, किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया था कार्ल लिनियस के द्वारा, ठीक है ना। तब नेक्स्ट बात आती है 10th एडिशन कब आया सिस्टम एन एच सी का, ये 1758 में आया और किसके द्वारा पब्लिश करवाया, किसके द्वारा लिखा गया, ये कार्ल लिनियस के द्वारा लिखा गया। और इसमें जो 10th एडिशन था उसमें 12 इंडियन इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड था, अर्लीस्ट रिकॉर्ड था, कितने था 12 इंडियन इंस्टीट्यूट का अर्लीस्ट रिकॉर्ड था उसके अंदर, किसके अंदर, सिस्टम एन एच सी के अंदर, ठीक है ना। डेट इज क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट ईयर की, नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं 1767 से 1719 से, यानी कि 1767 से 1779 और बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक जे जी कॉइनिंग था, वो मेडिकल ऑफिसर था। जे जी कॉइनिंग क्या था, एक मेडिकल ऑफिसर था, वो कहाँ का था, डेनमार्क का था। जे जी कॉइनिंग एक मेडिकल ऑफिसर था, वो डेनमार्क का था और वो स्टूडेंट था कार्ल लिनियस का। क्या था वो, कार्ल लिनियस का स्टूडेंट था। और जेसी फेब्रिसियस उसका क्या था, वो जेसी फेब्रियस उसका क्या था, वो उसका फ्रेंड था। जेसी फेब्रिसियस उसका क्या था, फ्रेंड था। यानी कि 1767 से 1779 के बीच में जो इन साइंटिस्टों का योगदान रहा है, किन किन साइंटिस्टों का योगदान रहा है, जे जी कॉइनिंग जो आपके कार्ल लिनियस थे उनके शिष्य थे और उनके एक मित्र थे जेसी फेब्रिस, इन तीनों साइंटिस्टों का 1767 से लेके और 1779 तक का योगदान रहा। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, उन्होंने क्या किया, 18th सेंचुरी यानी कि 18वीं शताब्दी की बात है, 18वीं शताब्दी में उन्होंने क्या किया, कलेक्टेड नंबर ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम कोरोमंडल एरिया, यानी कि उन्होंने कोरोमंडल एरिया था उस एरिया से इंसेक्ट को कलेक्शन किया, कोरोमंडल एरिया और साउथर्न पेनिनसुला इन इंडिया, इन एरियाज से क्या किया, उन्होंने इंसेक्ट का कलेक्शन किया। उन कलेक्शन करने के बाद में उनकी स्टडी करने के बाद में कार्ल लिनियस ने अपने नाम के आधार पर उनका नामकरण किया, ठीक है ना भाई। कोरोमंडल एरिया है और साउथर्न पेनिनसुला इंडिया है, वहाँ से उन इंसेक्ट को कलेक्शन किया गया। कलेक्शन करने के बाद में उन्होंने क्या किया, उन्हें उसकी स्टडी की गई, स्टडी करने के बाद में उनका नामकरण किया गया। नामकरण किसके आधार पर किया गया, कार्ल लिनियस के आधार पर किया गया। कार्ल लिनियस अपने खुद के नाम के आधार पर उनका नामकरण किया, ठीक है ना। एंड हिज कलेक्शन वर स्टडीड एंड नेम्ड बाय प्रोफेसर लिनियस हिमसेल्फ, यानी कि अपने खुद के नाम के आधार पर उन्होंने उसका नामकरण किया। उन जो भी इंसेक्ट उन्होंने कलेक्शन किया था स्टडी करने के बाद में, उनके खुद के नाम के आधार पर उन्होंने क्या किया, अपना उन इंसेक्टों का नामकरण किया, नेम रखा। ही आल्सो पब्लिश्ड, और बाद में क्या करवाया उन्होंने पब्लिश करवाया, ही आल्सो पब्लिश्ड ए स्पेशल अकाउंट ऑफ टर्माइड ऑफ थानजोर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो टर्माइड है, स्पेशल अकाउंट ऑफ टर्माइड ऑफ थानजोर डिस्ट्रिक्ट, इसको एक उन्होंने इसको पब्लिश करवाया, ठीक है ना। देन फेब्रिस मेड कोइनिगी नेम रिमेम्बर्ड और इवर बाई नेमिंग ऑफ नॉन एंड डेस्ट्रक्टिव, यानी कि कोइनिंग जो कोहेनिंग निगी था कोइनिंग, उसके नाम के आधार पर उन्होंने क्या किया, रेड कॉटन बग का नाम रखा, रेड कॉटन बग जो डेस्ट्रक्टिव रेड कॉटन बग था ऑफ दिस कंट्री एज डायडरकस कोइनिगी, यानी कि किसके आधार पर, फेब्रिसियस ने क्या किया, कोइनिगी नेम को रिमेम्बर किया फॉर योर बाई नेमिंग देन नोन एज डेस्ट्रक्टिव रेड कॉटन बग, तो डेस्ट्रक्टिव रेड कॉटन बग था उसका नाम लिखा डायडरकस कोइनिगी, ठीक है ना। तो किसके नाम पे रखा, कोइनिगी के नाम पे रखा, ठीक है ना। डेट इज क्लियर। रेड कॉटन बग था उसका साइंटिफिक नाम, ये क्या है, साइंटिफिक नेम है।
ये क्या है, रेड कॉटन मक्का साइंटिफिक नाम है, ठीक है ना, डाइट डरकस कोई नहीं की, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की। एक डॉक्टर के थे, उन्होंने पब्लिश करवाया अकाउंट ऑफ लेक इंसेक्ट। डॉक्टर केयर थे, उन्होंने क्या करवाया, पब्लिश करवाया अकाउंट ऑफ लेक इंसेक्ट। कब पब्लिश करवाया, ये 1782 के अंदर। कब पब्लिश करवाया, 1782 यानी कि 1782 के अंदर डॉक्टर केयर ने पब्लिश करवाई, पब्लिश करवाया लेक ऑफ इंसेक्ट, ठीक है ना, अकाउंट ऑफ लेक इंसेक्ट, ठीक है ना। देन बात करते हैं अपन आगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टार्ट की गई, यानी कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये स्टार्ट की गई, आप कब की स्टार्ट की गई, ये 1785 के अंदर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टार्टेड इन ईयर 1785, यानी कि 1785 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन एट कोलकाता, कहाँ स्टार्ट की गई, कोलकाता में स्टार्ट की गई, ठीक है ना। एंड मैनी पेपर्स वर पब्लिश्ड, और इस सोसाइटी के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर मैनी पेपर्स ऑफ पब्लिश्ड करवाई गई, यानी कि इस सोसाइटी के अंदर जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कोलकाता में स्टार्ट की गई थी 1785 के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर मैनी पेपर, यानी बहुत सारे पेपर क्या गए, पब्लिश करवाई गई। कौन सी सोसाइटी के अंदर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, उस सोसाइटी के अंदर मैनी पेपर्स क्या है, बहुत सारे पेपर्स हैं वो पब्लिश करवाए गए, ठीक है ना। देन अपन ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना भाई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहाँ स्टार्ट की गई, कोलकाता के अंदर स्टार्ट की गई, कब स्टार्ट की गई, 1785 को, है ना, 1985 में स्टार्ट की गई, और इसके अंदर मैनी पेपर पब्लिश करवाए गए इस सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना। देन आगे बात करते हैं अपन रॉक वॉक्स, एक साइंटिस्ट है रॉक्स ब्रग, जो कौन से साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, रॉक्स वर्क्स बॉटनिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेपर एक पब्लिश करवाया, पब्लिश है डाटा लाइट अकाउंट ऑफ लेक इंसेट, पब्लिश डाटा लाइट ऑफ लेक इंसेट, लेक इंसेट को डाटा लाइट किया उन्होंने, पब्लिश करवाया। कब करवाया गया, ये आपको 1790 को, यानी 1990 के अंदर, ठीक है ना, ये कब करवाया गया, 1990 के अंदर। एक बॉटनिस्ट है रॉक्स वर्ग, उन्होंने डाटा लाइट किया, किसको डाटा लाइट किया, लेक इंसेट को, अकाउंट ऑफ लेक इंसेट को, ठीक है ना, उन्होंने इसको पब्लिश करवाया, ठीक है। और आगे बात करते हैं अपन डॉक्टर जे एडरसन, डॉक्टर जे एडरसन थे, उन्होंने इशूड किया, इशू किया, क्या इशूड किया, मोनोग्राफ ऑफ कोलचेल इंसेक्ट, मोनोग्राफ ऑफ कोलचेल इंसेक्ट, यानी कि जो छोटे इंसेक्ट है उनका मोनोग्राफ उन्होंने इशू किया, किन्होंने इशू किया, डॉक्टर जे एडरसन ने इशू किया। कब इशू किया, 1791 में, यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं जो कोलचेल इंसेक्ट है उसका मोनोग्राफ किनके द्वारा इशू किया गया, तो किनके द्वारा इशू किया, डॉक्टर जे एडरसन के द्वारा इशू किया गया। कब इशू किया गया, 1791 के अंदर इशू किया गया, ठीक है ना। किन इंसेक्टों के लिए मोनोग्राफ इशू किया, कोलचेल जो इंसेक्ट है, जो छोटे माइन्यूट इंसेक्ट है, उन इंसेक्टों के लिए मोनोग्राफ इशू किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन डॉक्टर हॉर्सफील्ड थे, डॉक्टर हॉर्सफील्ड थे वो एक अमेरिकन डॉक्टर थे, क्या थे, डॉक्टर हॉर्सफील्ड थे वो क्या थे, अमेरिकन डॉक्टर थे। उन्होंने क्या किया, एंड फर्स्ट कीपर ऑफ द ईस्ट इंडिया म्यूजियम, और ये ईस्ट इंडिया म्यूजियम के फर्स्ट कीपर थे, ईस्ट इंडिया जो म्यूजियम था उसके ये कहते हैं फर्स्ट कीपर थे, इम्पोर्टेंट है, ईस्ट इंडिया म्यूजियम के क्या थे, फर्स्ट कीपर थे। उन्होंने पब्लिश करवाया, उन्होंने पब्लिश कराया, एक बुक पब्लिश करवाई, पब्लिश हिज फेमस बुक, उन्होंने एक अपनी बुक पब्लिश करवाई, किसने, डॉक्टर हॉर्सफील्ड जो अमेरिकन डॉक्टर थे, जो अमेरिकन डॉक्टर थे और फर्स्ट कीपर ऑफ इंडियन म्यूजियम, फर्स्ट कीपर ऑफ ईस्ट इंडिया म्यूजियम, जो फर्स्ट ईस्ट इंडिया म्यूजियम के फर्स्ट क्या थे, कीपर थे। उन्होंने एक अपनी फेमस बुक पब्लिश करवाई, उस बुक का क्या नाम है, ए कैटालॉग ऑफ द लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट,
ये इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर हॉर्सफील्ड ने कौन सी बुक अपनी पब्लिश करवाई, तो कौन सी थी, ए कैटालॉग ऑफ द लेप्टोपटेरन इंसेक्ट, ए कैटालॉग ऑफ द लेप्टोपटेरन इंसेक्ट, ये बुक इन्होंने क्या करवाई, पब्लिश करवाई। इन्होंने पब्लिश करवाई है डॉक्टर हॉर्सफील्ड के द्वारा, ठीक है ना। और इन द म्यूजियम ऑफ द ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर क्या इसके दो वॉल्यूम निकाले, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके दो वॉल्यूम निकाले। फर्स्ट वॉल्यूम तो निकाला इसका 1857 को, और दूसरा वॉल्यूम निकाला इसका 1858 to 1859, इसके दो कंटिन्यूस वॉल्यूम निकाले, किसके, ए कैटालॉग ऑफ द लेप्टोपटेरन इंसेक्ट जो बुक थी उसके, ठीक है ना, कर्मस है रेप्सोटली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे की हिस्ट्री के बारे में अपन फिर चर्चा करेंगे। और मेरे को जहाँ तक पता है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो भी लेक्चर डिलीवर हो रहे हैं मेरे द्वारा उसको आप अच्छे से देखना, ठीक है ना। आप जब तक नहीं देखोगे, जब तक आप किताब नहीं उठाओगे, जब तक ये आप नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो ये नहीं कि आपने वीडियो देख लिया, वीडियो के साथ ऐसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री को तो एक रटने वाली चीज़ है ना, भाई कौन सी ईयर में किस साइंटिस्ट का क्या योगदान रहा, उसने क्या खोजा, है ना, सारी चीज़ें है कि ये सब चीज़ें रटने वाली है। ये क्या है, ये भाई जैसे कि मैंने लेक्चर डिलीवर कर दिया, तो आपको उसको अच्छे से देखोगे, सुनोगे, है ना, दो तीन बार उसको सुनोगे तो ये आपको हिस्ट्री अच्छे से याद हो जाएगी, इतनी हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है। और रही बात इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हिस्ट्री इतनी वो नहीं है भाई, इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आ रहा, है ना, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में है। और मेरे को जहाँ तक समझ है, जहाँ तक पता है, मुझे अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री के जो बाकी हिस्ट्री जो बच गई है उस हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। धन्यवाद।